पार्टी के ऑर्गेनाइजर थे और आपका जन्मदिन है। सच बोलूं तो मतलब कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, इतनी खुश हूँ और हंसते रहने का मन कर रहा है, खुश रहने का मन कर रहा है। ऐसा नहीं कर रहा है कि मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर मैं बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी, और भी आज के दिन सेवन मैं शूट पर थी और अचानक सबका कॉल आया कि यहाँ पर बर्थडे पार्टी होने वाली है। मेरा यही था, यही मूड बना कि मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या बर्थडे पार्टी किधर है। बस है तो है, हमारा बर्थडे है और हमारी कंपनी की तरफ से आपको ये तोहफा है कि यहाँ पे ये जो बॉम्बे बार है ये बुक किया इन्होंने और मुझे ढेर सारी खुशियाँ मिल रही है। मेरे सारे लोग जितने भी हैं मेरे करीबी जानने वाले जो मुझे प्यार करते हैं वो सब यहाँ पे, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। कॉलेज की कोई बचपन की ऐसी यादें जो बर्थडे मनाया तो यादें शेयर कर सकते हैं? वाह वाह क्या जिंदगी में बहुत खुशी है। जैसे आज बचपन में तो हम मॉम के हाथ से केक खा लेते थे और स्कूल के जो हमारे फ्रेंड्स थे वो आ जाते थे और हम कहीं घूमने चले जाते थे, वही यादें हमारी अभी तक दिलों में हैं। सेट पे कभी ऐसा हुआ कि आपको बर्थडे हो गए सेट पे केक ले आए? अभी तक तो वो मौका नहीं है। और इससे पहले कभी मैं कभी नहीं शूटिंग पे कभी भी मेरा बर्थडे आया कि नहीं क्या अच्छा। या तो शूटिंग से पहले बर्थडे हो गया था या फिर शूटिंग के बाद बर्थडे आया। अभी आपने कौन सी फिल्म प्रोजेक्ट कंप्लीट करके आई है? मैंने जस्ट अभी नागपाल सर की फिल्म की है, जिस फिल्म का नाम है लगन पत्रिका। अच्छा, बहुत ही अच्छा नाम है, कौन कौन से कमिंग अप प्रोजेक्ट होने वाले आपके? और सर की म्यूजिक कंपनी है पॉपुलर म्यूजिक, दीपक खिल्लार जी के साथ अभी एक सॉन्ग करके आई, दो सॉन्ग किया मैंने उनके साथ, अंकुश राजा जी काफ़ी जो भोजपुरी में चल रहे हैं वो सिंगरों के साथ साइन करने वाले हैं। सर आप क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे आज इनका दिन? थैंक्स आप आए यहाँ पे, थैंक्स फॉर कमिंग। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जो इतना बड़ा पार्टी का आप क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे? सर आप मैं तो चाहूँगी हर साल मनाया। सर आपकी कंपनी है यू ही है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैंने भोजपुरी मूवी के लिए सर और कौन सी कौन सी पिक्चर आने वाली है आपके बैनर तले? सर और इसके अलावा कुछ कौन कौन से स्टार कास्ट को लेकर काम करेंगे? और हेलो नहीं अभी वाइट कर रहा हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज पलक जी का बर्थडे है? मैं क्या कहना चाहूँगा कि पलक जी का बहुत बहुत हर
हैप्पी बर्थडे और उनका एक अच्छा दिन। इसी तरह हम अच्छे अच्छे पार्टी करते रहें और पॉपुलर म्यूजिक से वो आने वाले हैं जो हम लोग देखेंगे और उनके ओनर हैं। और पॉपुलर म्यूजिक जो है हर वो ऐसा एक्टर आएगा जो पॉपुलर होते हैं और होने के लिए इच्छा रखते हैं हमेशा। तो यही कहूँगा कि पॉपुलर म्यूजिक को हाईलाइटिंग कीजिए आप लोग और इससे ज़्यादा से ज़्यादा गाना बने, वीडियो बने, फिल्म आए और ये मैं शुभकामना करता हूँ हमेशा। और हाल ही में आपने अभी जस्ट अवार्ड शो हुई थी और उसके बाद आप म्यूजिक कंपनी ने लॉन्च हुआ था, वहाँ पर कई सारी कंपनी हैं जो आपको लॉन्च हुई है ऑलरेडी 4-5 कंपनी और साथ में पॉपुलर म्यूजिक को भी हम लोग हाईलाइट करते हैं सर के साथ। जगमगाती दुनिया का एक टिमटिमाता सितारा हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा इस कोरोना टाइम के बाद नागपाल जी का और खुशियों के साथ मुबारकबाद देना चाहूँगा इस बर्थडे की पलक तिवारी जी को जो आज कोरोना के इतने परेशानियों के बाद एक खुशी का थोड़ा सा समय निकाल के हम सबको इनवाइट करा और हमें इन खुशियों में शामिल करा। मैं भगवान की बहुत सारी जो खुशियाँ हैं मैं इनको देना चाहूँगा और भगवान से ये कामना करना चाहूँगा ये इनका बर्थडे एक खुशियों की लहर लेके आए और इस इंडस्ट्री में जो ये काम कर रहे हैं और जो इनका आने वाला मूवी है और जो इनका आने वाला एल्बम है इसमें इनको इतनी कामयाबी मिले कि हम इन्हें एक जगह देख सकें। और इसमें सर का बहुत बड़ा हाथ है कि सर ने एक इतना बड़ा इन्विटेशन हमको दिया, इतनी बड़ी पार्टी दी जो आज हम आपके सामने हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भगवान इस कोरोना टाइम को बहुत जल्द से जल्द ख़त्म करे और हमारा जो इंडस्ट्री में काम रुका हुआ है वो हमें करने को मिले और नए नए जो लोग आने को बेताब हैं, जो नए नए लोग अभी रुके हुए हैं सर उनको आने वाले टाइम में बहुत बड़ा चांस देने वाले हैं। तो मैं सर का बहुत बड़ा आभारी हूँ कि सर ने मुझे यहाँ बुलाया और इतनी मुझे इज्जत दी और बहुत बहुत धन्यवाद और पलक जी को बहुत बहुत मुबारकबाद इनके बर्थडे पर। थैंक यू सर। बहुत तेज बोलिए सर, आवाज़ नहीं आ रही नटपा जी, क्या देखिए कैमरे को देखिए। चलिए सर, क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे आज पलक जी का बर्थडे है? सबसे पहले आप सबको नमस्कार और बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे चैनल ऐसा मोमेंट दिया आप सबको एंजॉय करने सेंटर सेंटर पलक जी को विश कैमरा देखिए कैमरा सेंटर शुभकामनाएं हमारे नागपाल सर और हमारे पलक तिवारी जी को उनका आज बर्थडे है जिसके लोकेशन पे हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और नागपाल सर ने हम सभी को एक हैप्पी मोमेंट एंजॉय करने का चांस दिया। तो सर अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में काम किया है तो हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं सर के साथ जो सर के आने वाले जो भी प्रोजेक्ट है वो धमाका कर जाए भोजपुरी में और नए टैलेंट को चांस मिले। बहुत और खूब काम हो रहे हैं देना चाहेंगे आज बहुत बड़ा शुभकामना है ना। अभी मैं बता दूं, मैं थैंक यू सो मच। नहीं नहीं नहीं
मल्लक जी ने एक फिल्म करके आए लगन पत्री का, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है आमिर सिंह, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक खूबसूरत फिल्म बनी है, जिसमें सोनिया जी भी हैं, मैं नहीं हूँ उसमें, मेरा डेट नहीं था। तो वो फिल्म के लिए शुभकामनाएं आपको, आप ऐसे आगे आगे फिल्म करते रहें, सबको मेरा शुक्रिया, नमस्ते भाई आप लोग को। पालक जी का मेरे बर्थडे है, एंड हमने अपने करियर की शुरुआत भी साथ में की थी, बट नाउ शी इज सो लकी और कंटिन्यू काम में बनी हुई है, और मेरी तरफ से इसके लिए आगे के लिए भी शी इज कंटिन्यू इन द इंडस्ट्री, एंड गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। चलिए नाइस नाइस, क्या बात, चलिए। हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, हम इधर देख के वहां का दे रहे हैं, और बहुत शुभकामनाएं हमारे तरफ से, नाम रोशन करे, काम करती रहे, हैप्पी बर्थडे। चलिए बहुत बढ़िया, मैं बहुत पहले से इसके साथ काम की हूं, इसके मां का हूं, तो मेरा तो हर मां अपनी बेटी के लिए बहुत बहुत कुछ चाहती है, हर मां यही चाहती है कि मेरी बेटी जो भी है वो इतने आगे जाए कि एक बार लोग सोचे बात करते हुए इनका ऑटोग्राफ लें तो मुझे खुशी है, और ये बहुत ऐसे आगे काम करती है, अपना नाम करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, साथ में हम लोग हमेशा रहते हैं, हैप्पी बर्थडे। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं तो हम ऐसे थैंक यू क्योंकि आज हमारी एंजल पलक का जन्मदिन है, क्या बात है, और मैं पलक को कई सारी विशेष देती हूँ, पलक हमारी हंसती मुस्कुराती और चार्मिंग बनी रहे, और उसे ढेर सारा काम मिली और वे खूब काम कर रहे हैं, उसका नाम चलिए बहुत बढ़िया। पार्टी रखी है मेरे लिए, मुझे बहुत खुशी है, मेरे गार्जियन जैसे हैं ये, और बहुत कुछ सीखने को मुझे इनसे शूटिंग पर मिला, और शूटिंग से पहले से मैं इनको जानती हूँ, मैंने फिल्म शूट होने से पहले से 1.5 साल से हम लोग घर आना जाना है, हम लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, फैमिली मेम्बर है मेरे गार्जियन है, और उन्होंने पूरा पार्टी ऑर्गेनाइज किया है, और मैं बहुत लकी कर रही हूँ क्योंकि म्यूजिक कंपनी भी है, तो जस्ट देखिए आप फिल्म के बाद साउंड आ रहा ना कि सर की फिल्म भी करके आई, और म्यूजिक कंपनी में भी मैंने अभी सॉन्ग किया है जो पॉपुलर म्यूजिक है, अभी वहाँ पे दोस्त रहेगा हुआ है, पॉपुलर म्यूजिक कंपनी खुला है सर ने, उसमें मैंने दीपक दिलदार जी के साथ अभी 2 सॉन्ग किया है कंप्लीट, तो सीरियसली आई एम वेरी लकी गर्ल, मैं बहुत लकी गर्ल हूँ कि सर ने ये पार्टी ऑर्गेनाइज किया मेरे लिए, और ये मेरा फर्स्ट टाइम फर्स्ट बर्थडे ऐसा है जो यहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा है, और सर की फिल्म भी करके आई मैं, म्यूजिक कंपनी का सॉन्ग भी किया मैंने जिसमें दीपक दिलदार जी थे सॉन्ग में, और फिल्म में ही हूँ विमल पांडे जी, मनी भट्टाचार्य जी, आनंद सिंह जी डायरेक्टर भी होते हैं, अच्छे से बात, तो देखिए फिल्म कंप्लीट होते ही म्यूजिक कंपनी में जैसे फिल्म की शूटिंग खत्म हुई उसके नेक्स्ट डे ही हमारी शूटिंग थी पटना में, और वो शूटिंग कंप्लीट करके आज मैं आई हूँ और आज बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ, तो इससे बड़ी खुशी की बात हो ही नहीं सकती मेरी लाइफ में, थैंक यू सो मच सर, आपने मेरा बर्थडे पार्टी आपने ऑर्गेनाइज किया इतना बढ़िया, उसके बाद अगर सबसे पहला जब एक ऑर्डर आई है तो सबसे पहले पलक है, और उसके हिसाब से हम 8 के 10 गाने कैसे हैं जो उन्होंने करते हैं, उस हिसाब से शेड्यूल वगैरह सारा कुछ है। लगन पत्री बात करो, किस तरह की फिल्म है, क्या फिल्म की बात करें, किस तरह की फिल्म है लगन पत्री का, किस तरह की फिल्म है, फिल्म के बारे में पारिवारिक है क्या है इसमें थोड़ा बताइए, पारिवारिक फिल्म है, परिवार के अंदर जो आज कल कि आप एक परिवार के अंदर क्या 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 रहता है, वो ऐसी फिल्म बनाई मैंने बात किया था लेकिन वो रिसेंटली एक साथ सब लोगों के साथ फैमिली के साथ देखने के लिए फिल्म बनाएंगे, साथ उसकी फिल्म बनाएंगे जो सब लोग घर पर बैठे इस फिल्म की शूटिंग कहाँ की गई है सर, शूटिंग हमने अभी पटरौना कुशीनगर, बॉलीवुड जाने बॉलीवुड में कुछ अलग मैम को लेके बॉलीवुड में आने के लिए करने वाले हैं सर, 2-3 फिल्में और हैं, बॉलीवुड का करेंगे भी तो शायद हम लोगों को ना बताएं।
का पलटी को लेकिन तो गाने की पॉपुलर म्यूजिक की बात करें गाने के बारे में जैसे एक भोजपुरी हो गया, भोजपुरी के बाद हिंदी खत्म हो गया, उस तरह से पंजाबी हो गया, पंजाबी हो गया, उसके बाद हरियाणवी हो गया, अलग सेगमेंट के हिसाब से हमने बात कर रहे और उस तरह से हम लोग अभी कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में मैं इसी को बहन मानता हूँ और मेरी दुआ है, मैं चाहता हूँ कि मेरा राज चौगुना एक तरह से बहुत बड़ी हीरोइन बने जिससे हम लोगों को भी गेट लेने के लिए लाइन में खड़ा होता है। ये मेरा विश है और इस तरह में एक फिल्म की है मनमा छठी मैया, दो फिल्म और हैं प्रमोद सर उसमें ये कास्ट किए हैं, वो कर रहे हैं सर जी हैं, इनका हाथ हम सब लोगों के सर पर है, और इनके लिए भी शुभकामना है कि इस कंपनी को शुरू किया है और जिसकी ये मॉडल है इतनी तरक्की करेगा, गाने को बजे लाखों में जाए, करोड़ों में जाए, इसी विषय थैंक यू सर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.